वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि सोख लेती है। गहराई में एकत्र जल को हम कुएं के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस तरह वर्षा से दो प्रकार के स्रोत बनते हैं, एक भूमि के अंदर और दूसरा भूमि के ऊपर। तो आओ बच्चों, पहले हम लोग भूमि के अंदर वाले स्रोत के बारे में जानें। हमारे बहुत से गांवों में सिंचाई के लिए खेतों में घड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी भी हमें भूमि के अंदर से ही मिलता है। हमारे देश के बहुत से गांव और शहरों में प्रयोग होता है हैंडपंप का। और सिंचाई का साधन है ये पंपिंग सेट। पंपिंग सेट के द्वारा खेतों में दूर दूर तक पानी पहुंचाया जाता है, जिससे फसलों की पैदावार अधिक होती है। ये है पाताल तोड़ कुआं। दो कठोर परतों के बीच की मुलायम परत से पानी निकलता है। रहट, इसे तो सभी बच्चे जानते हैं, भूमि के अंदर से पानी निकालने का एक और साधन। बच्चों, अभी तक तुमने भूमि के अंदर के स्रोत देखे, अब आओ देखते हैं भूमि के बाहर के स्रोत। पहाड़ों पर जमी बर्फ गर्मी पाकर पिघलने के पश्चात पानी का रूप ले लेती है। जमीन के ऊपर से मिलने वाले जल का ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नाले, झरने, और नदियों के द्वारा हमें जल प्राप्त होता है। लेकिन सबसे बड़ा स्रोत है ये समुद्र, क्योंकि सभी नदियां आकर मिलती हैं समुद्र से। इसके अतिरिक्त दो मुख्य स्रोत और हैं, वो हैं ये तालाब और ये झील।